हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लोर सेंटर। आज इस वीडियो में मैं एनिमल टिश्यू पार्ट टू स्टार्ट करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूरल और कंडक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू को हम न्यूरल और कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कंडक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। द वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू एंड दिस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। ये एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम होता है, जो कि अदर बॉडी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस टिश्यू से बना होता है, और नर्वस टिश्यू ये न्यूरॉन से बने होते हैं, न्यूरॉन और नर्व सेल्स से। एंड न्यूरोग्लियल सेल्स का काम जो होता है ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है नर्व सेल्स में, क्योंकि नर्व सेल्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो न्यूट्रिशंस जो मिलते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल से ही मिलता है। न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन है इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है नर्वस सिस्टम का। द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज़ टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटी और फंक्शन। और नर्वस टिश्यू का जो रोल है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं हमारे बॉडी में। इट रिसीव एंड ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये काम क्या करता है, ये नर्व इम्पल्सिस को जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह दिखता है, ये नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करता है और उसको ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। न्यूरॉन हैज़ अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड सेल बॉडी और साइटन। अगर मैं स्ट्रक्चरली बताऊँ तो जो नर्व सेल्स है ये एक सेंट्रल पार्ट होता है इसमें, और जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं और साइटन बोलते हैं। तो सेल बॉडी से भी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे अराइज होते हैं जिसको बोलते हैं डेंड्रॉन्स और एक्सन। सो डेंड्रॉन्स ये कैसे दिखते हैं, ये एक थ्रेड लाइक ब्रांचेस होते हैं जो कि अराइज होते हैं सेल बॉडी से फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी के चारों तरफ से ये एक ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये ब्रांच अराइजेस होते हैं जिसको डेंड्रॉन्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, डेंड्रॉन्स से भी कुछ ऐसे फाइन ब्रांचेस हैं जो कि अराइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन्स फर्दर डिवाइड टू फॉर्म फाइन ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। वन लॉन्ग स्टेम लाइक पार्ट अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी कॉल्ड एक्सन। एक और पार्ट जो है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नर्व सेल का, एक लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वो भी सेल बॉडी से ही अराइज होता है जिसको बोलते हैं एक्सन। और एक्सन जो होता है ये कुछ सेल्स से बने होते हैं जिसको बोलते हैं श्वान सेल्स, और इसका एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं मेलिन शीथ। तो एक्सन जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं मेम्ब्रेन से, इट इज़ कॉल्ड मेलिन शीथ। द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सिस इन वन डायरेक्शन। और जो मैसेजेस है जो कि एक इम्पल्सिस की फॉर्म में रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन तक, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये ट्रांसमिट करेगा। द एक्सॉन एंडिंग्स और सिनेप्टिक नॉब्स ऑफ वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन एंड द जंक्शन एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। जो एक्सॉन एंडिंग्स होते हैं जो कि ये लास्ट पार्ट होता है नर्व सेल का, वहाँ पर कुछ नॉब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट न्यूरॉन का जो सिनेप्टिक नॉब है ये कनेक्टेड होता है अदर न्यूरॉन के डेंड्राइट से। तो इस कनेक्शन को और इस जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्स। द जंक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स।
नाउ फ्रेंड्स, ये है स्ट्रक्चर, ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, यहाँ पर आपको थ्री पार्ट्स दिखेंगे। और फर्स्ट पार्ट है, ये है सेल बॉडी और साइटन। सेल बॉडी जो कि कंटेन करता है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को। अब देखिए, सेल बॉडी के चारों तरफ से कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज हो रही है, जिसको बोलते हैं डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन से भी कुछ फाइन ब्रांचेस इमर्ज हो रही है, जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। नाउ यहाँ से सेल बॉडी से एक और स्टेम लाइक पार्ट अराइज हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन जो कि सेल से बना है, जिसको बोलते हैं श्वान सेल। और जो सेल्स के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये होता है नोड ऑफ रेनवियर। और जो ये सेल्स होते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ कॉल्ड मेलिन शीथ। एंड द लास्ट पार्ट इज़ एक्सॉन टर्मिनल्स और एक्सॉन एंडिंग। तो फ्रेंड्स, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, ये आपको कनेक्शन दिखाएगा। ये फर्स्ट न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन के साथ सेकंड न्यूरॉन का कनेक्शन दिखा रहा है। तो फर्स्ट न्यूरॉन जो है, ये फर्स्ट न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है, जहाँ पर सिनेप्टिक नॉब प्रेजेंट है, इस सिनेप्टिक नॉब से सेकंड न्यूरॉन की जो डेंड्राइट है, यहाँ इसके साथ कनेक्शन है। ये जो आपको सर्कल जो पार्ट दिख रहा है, सर्कल एरिया, दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्स। इस जंक्शन, ये जो जंक्शन बना रहा है, ये कम्युनिकेशन है दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो फ्रेंड्स, जो ये नर्व इम्पल्सेस होते हैं, ये एक्सॉन से ट्रांसमिट होते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में। ये आपको दिख रहा है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा। ये फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन, सेकंड से थर्ड, इस तरीके से पूरा नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये है नर्वस टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को हम सॉफ्ट टिश्यू भी बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो टिश्यूज़ होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं और मूवमेंट को अलाउ करते हैं। मतलब इसमें मूवमेंट होता है, और वो किसकी वजह से होता है, जहाँ मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। मसल फाइबर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मस्कुलर टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू इन आवर बॉडी। मसल फाइबर्स को जब हम कंबाइन करेंगे, तो ये मस्कुलर टिश्यू बनाएगा, और इसी को हम फाइब्रस टिश्यू भी बोलते हैं। मसल्स अलाउ और रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। और जो मसल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, और जो पार्ट्स की जो मूवमेंट होती है, वो ये मस्कुलर टिश्यू करता है। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। और हमारे बॉडी में 650 मसल्स होते हैं। मस्कुलर टिश्यू गिव्स द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, और ये मूवमेंट को अलाउ करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज मायोप्रोपल्सिव टिश्यू, और इसी को मायोप्रोपल्सिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यू होता है, ये फॉर्म होता है कब, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मायोजेनेसिस। मस्कुलर टिश्यू कंटेन्स स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन। जो मस्कुलर टिश्यू होता है, इसमें कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। और ये जो प्रोटीन जो है, ये आपको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, जिससे कि मूवमेंट कॉज हो।
इन मैमल्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स. थ्री टाइप्स के मसल्स होते हैं, वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स, इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड इज कार्डियक मसल. तो फ्रेंड्स, वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं इसको स्केलेटल मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्केलेटल मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स आर अंडर अवर कंट्रोल. वॉलेंट्री मसल्स ये ऐसे मसल्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये मसल्स जो होते हैं ये हमारे लेग्स और हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं. दे आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल. The cells of these muscles are long, cylindrical and unbranched with many nuclei and have dark and light bands called striation. और ये जो मसल सेल्स होती हैं, इस मसल्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं. इसमें ब्रांच नहीं होता है, सिर्फ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऐसे रहते हैं फाइबर्स, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रिएशंस. दिस मसल्स आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स. इस मसल्स को स्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं, और स्केलेटल मसल्स तो बोलते ही हैं. तो स्ट्रिएटेड मसल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं. दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर. दीज मसल फाइबर्स रेंजिंग फ्रॉम सेवरल मिलीमीटर टू 10 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड फ्रॉम 10 टू 100 माइक्रोमीटर इन विड्थ, एंड इट इज़ फाउंड इन अवर हैंड्स एंड लेग्स. ये हैंड्स और लेग्स में प्रेजेंट होते हैं इस टाइप की मसल्स. नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मसल्स. इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. इनवॉलेंट्री मसल्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो भी कंट्रोल होता है ये ब्रेन से होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल. दीज सेल्स ऑफ These muscles are spindle shaped and have only one nucleus. और ये जो cells होते हैं, इस muscles के जो cells होते हैं ये spindle shaped होते हैं, मतलब दोनों तरफ से ऐसे pointed रहेंगे, और ये इसमें सिर्फ एक nucleus present होगा. They do not have any bands or striation. That's why they known as unstriated muscle. और इस muscles में कोई भी bands or striations present नहीं होते, इसलिए इसको unstriated मसल्स बोला जाता है. दे आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एसेट्रा. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं ये मसल्स, इसलिए इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं. और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में, और जितने भी हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं. कार्डियक मसल्स थर्ड है. कार्डियक मसल्स इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स. कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये एक स्पेशल टाइप का इनवॉलेंट्री मसल्स ही बोलते हैं. और ये जो मसल्स है ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि कभी भी थकता नहीं है, ये कंटिन्यूसली वर्क करता है. स्ट्रक्चरली अगर हम देखें, कार्डियक मसल इज़ सिमिलर टू वॉलेंट्री मसल वाइल फंक्शनली सिमिलर टू इनवॉलेंट्री मसल. जो स्ट्रक्चर वाइज है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ वॉलेंट्री मसल के जैसा दिखता है, और फंक्शन जो इसका होता है ये इनवॉलेंट्री मसल की जैसा काम करता है. दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स एंड दे वर्क कंटिन्यूसली एंड डू नॉट गेट टायर्ड. और इनका जो काम होता है वो कंटिन्यूसली होता है, इसलिए इसको स्पेशल टाइप बोला गया है इनवॉलेंट्री मसल्स में. एंड ये सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होता है. कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन अवर हार्ट विच पम्प्स ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. तो फ्रेंड्स, ये है स्ट्रक्चर. ये वॉलेंट्री मसल्स है, इसके जो फाइबर्स जो दिख रहे हैं मसल्स, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप्स के दिख रहे हैं. इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. इनवॉलेंट्री मसल्स ये स्पिंडल शेप्स के हैं, एंड कार्डियक मसल्स ये ब्रांच्ड होते हैं. तो कार्डियक मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड वॉलेंट्री मसल. तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिंपल सा स्ट्रक्चर है. तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.